हेलो स्टूडेंट, आई एम तमन्ना फ्रॉम विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल गुना। वेलकम इन डे 3 ऑफ क्लास 5th ईवीएस यूनिट 4। वी नो दैट 2 ट्रिलियन केजी ऑफ वेस्ट इज प्रोड्यूस एवरी ईयर। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि हर ईयर 2 ट्रिलियन वेस्ट प्रोड्यूस होता है। हैव यू थॉट अबाउट वेयर हैज वेस्ट गोज? क्या आप सोच सकते हो कि वो वेस्ट कहाँ जाता है? What will happen to earth if we keep producing so much waste? कि क्या होगा अगर इतना waste produce होता रहेगा, क्या आप सोच सकते हो? We have learned that waste is produced when some part are left unused after using the main part. देखिए waste कैसे produce होता है, जब हम किसी main part का use कर रहे हैं तो उसे use करने के बाद कुछ unused particle बच जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, waste. But if we take things in a way that very little waste is produced, कि हमें कोई ऐसा वे सोचना है जिससे कि बहुत कम वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो। What if we are able to use all part of the things we buy? अगर आप ऐसा सोचते हो कि जो भी पार्ट हम परचेज कर रहे हैं या खरीद रहे हैं वो सभी यूज करने के लायक हो तो कोई भी वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि अगर हम मार्केट से कुछ भी परचेज करने जाते हैं तो हमें वो सब सामान पॉलिथीन बैग में डाल के देते हैं, तो हम क्या करें, अपना क्लोथ बैग या कोई जूट बैग साथ में कैरी करके जाएं, तो जो भी सामान हो तो वो हम उस कैरी बैग में डाल के लाएं, तो उससे क्या होगा, पॉलिथीन यूज नहीं होगा और वेस्ट मटेरियल कम प्रोड्यूस होगा, मींस थोड़ा तो इफेक्ट पड़ेगा। बट इफ समथिंग दैट इज वेस्ट फॉर अस कैन बी यूज्ड बाय सम वन एल्स, क्या आप सोच सकते हैं कि वेस्ट जो है वो कोई भी पर्सन कैसे प्रोड्यूस कर सकता है? दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय गुड वेस्ट मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हो सकते हैं, अगर हम वेस्ट की मैनेजमेंट को सही से करें। वेस्ट मैनेजमेंट इज ए सीरीज ऑफ एक्शन टू हैंडल वेस्ट फ्रॉम इट्स क्रिएशन टू फाइनल डिस्पोजल। मीन्स वेस्ट को मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, कि अगर हम वेस्ट को अच्छे से हैंडल करें और उसको फाइनल डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, उसको क्रिएट करें। द एम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इज टू मिनिमाइज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वेस्ट ऑन अर्थ। तो वेस्ट मैनेजमेंट का एम क्या है, जो अर्थ के ऊपर जितना भी वेस्ट है प्रोड्यूस हो रहा है उसके हार्मफुल इफेक्ट को मिनिमाइज करना। देखिए वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की क्या है, हायरार्की मींस ए सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ थिंग्स, मींस कि हमने क्या करना है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, उसकी एक सीक्वेंस है। वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की रेफर टू अ सीरीज ऑफ एक्शन दैट वी कैन टेक इन ऑर्डर टू मैनेज आवर वेस्ट बेटर। मतलब कि ये एक ऐसी चीज है कि हम अपने वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। द फर्स्ट थ्री स्टेप ऑफ फर्स्ट थ्री स्टेप क्या है इसके, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। मीन्स अगर हम इन तीनों चीजों का यूज करेंगे तो वेस्ट को हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो फोकस ऑन मिनिमाइजिंग द वेस्ट रिक्वायर्ड टू बी डिस्पोज, मीन्स क्या है, वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना या फिर उसे कम करना रिक्वायर्ड है। द लास्ट टू स्टेप क्या है हार्मफुल इफेक्ट को मिनिमाइज करने के, देखते हैं अब हम डायग्राम में। देखिए मोस्ट प्रेफर्ड और लिस्ट प्रेफर्ड, डिस्पोज करना, रिकवर करना, रिसाइकिल, रीयूज, फिर रिड्यूस। सबसे पहले है डिस्पोज, कि जो भी है वेस्ट उसको हम डिस्पोज ऑफ करें। मीन्स से डिस्पोज तो हम करते ही हैं, मीन्स सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कि ऐसे उसे डिस्पोज करें कि उसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो। रिकवर एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट, कि हम जो वेस्ट है उससे एनर्जी को रिकवर कर लें। रिसाइकिल मीन्स जो चीज हमने एक बार यूज कर ली तो उसे हम फेंकने की बजाय क्या करें, उसे रिसाइकिल करके किसी और चीज में बदल लें। मीन्स यूज मटेरियल टू मेक न्यू प्रोडक्ट। नेक्स्ट है रीयूज। रीयूज क्या है, यूज मटेरियल रिपीटेडली, मीन्स हम बार बार
उस चीज को यूज करते रहें। हम ऐसी चीज का यूज ना करें कि जिसे एक बार यूज किया और थ्रो कर दिया, ऐसी चीज का यूज करें जिसे हम रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस। रिड्यूस का मीन क्या है, हम ऐसी चीजों का यूज कम करें जो ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं। मीन्स लोअर द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस, मीन्स जो चीजें वेस्ट प्रोड्यूस कर रही हैं उनका हम कम यूज करें। ये था हमारा आज का वर्क कि वेस्ट मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, और इनको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।